अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो आज के व्लॉग करते हैं शुरू। मैं अभी जस्ट उठा हूँ, अभी मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ और नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं व्लॉग। हाँ जी, तो हम हो चुके हैं रेडी, हाथ मुँह धो लिया। हम लड़कों का इतना ही होता है, बस कोई मेकअप नहीं, कोई सुर्खी नहीं, कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हम लोग रेडी हो चुके हैं। नाश्ता भी मैंने कर लिया, जितना थोड़ा सा करना था बस कर लिया। तो चले आप चलते हैं। मैंने कुछ दिन पहले, अम्मी ने मुझे 2-3 काम किए थे, मैंने उन्हें बताया मैंने कर लिए हैं, लेकिन मैंने अभी तक किए नहीं है। बड़ा हरामी हो तो सबसे पहले तो वो वाला काम करते हैं। दादा दफ्तर में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे, वो करवा लिए। उसके बाद मैंने जाना है कुछ जूते वगैरह चेंज करवाने के लिए दूसरे शहर में, तो चले अब चलते हैं वहाँ। शहर में रश और शोर की वजह से मैंने मुंतखब किया है दूसरा रास्ता, तो जहाँ पे मुझे जो है वो वीडियो आसानी से बन सके। ये देखें, ये दसका का स्टेडियम रोड है और ये है दसका का स्टेडियम। ये बाहर सारी दुकानें, ये रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा है, लेकिन मुझे इस रास्ता, ये रास्ता ज़्यादा सूटेबल होगा वीडियो के लिए। ये रोड के ऊपर शोर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो शायद आप तक आवाज़ ना आ रही हो मेरी, तो ये भी मुझे एक इसका एक वॉइस ओवर करना पड़ेगा। मेरी बाइक जो है वो थोड़ा सा मसला कर रही है, मिसिंग कर रही है, तो सबसे पहले से करवाते हैं किसी मैकेनिक से चेक क्या इशू है। ये है कद में छोटा और अपने घर का बड़ा मैकेनिक। तो अभी मुझे थोड़ा सा अपना रूट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है, और ये रोड जाता है इधर से सीधा बिल्कुल समड़ियाल मोड़ की तरफ, लेकिन मैं जाऊँगा थोड़ा मोटरवे वाली साइड पे, मैंने जाना है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं रास्ता अपना चेंज करूँगा रूट और मैं जाऊँगा इस साइड पर। ये बिल्कुल नहर के साथ साथ रोड है और बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है, बस ये थोड़ा सा है, लेकिन इसके आगे सारा बिल्कुल रोड सारा साफ़ है, तो हम इस साइड से जाएंगे। ये है जी समड़ियाल से लाहौर की मोटरवे। और इसके बिल्कुल साथ ही हमारी डेस्टिनेशन है। हाँ जी, हमारे काम सारे पूरे हो चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं जी कुछ खाने पीने के लिए। साथ में है हमारे लैदर गैलरी के ऑनर भी हैं ये, और हमारे दोस्त भी हैं, जैसा कि आपको आने वाले वक्त में भी पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ ब्लॉग में ये ज़रूर आया करेंगे, हम इन्हें अपने साथ लेके ज़रूर जाया करेंगे। आपको आवाज़ तो नहीं आ रही होगी डेफिनेटली, इतनी हम करेंगे वॉइस ओवर इसमें। अब हम जा रहे थे एयरपोर्ट चौक की तरफ से, एयरपोर्ट वाली साइड पे ये सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला रोड है, ये पहले इंटर कंस्ट्रक्शन था लेकिन अभी ये थोड़ी देर पहले बना, और इसके बाद इधर ये कोई रेस्टोरेंट आई, इन्होंने पहले ऑर्डर करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका ऑर्डर,
तो फिर हम फिज़िकली जो था वो जा रहे थे रेस्टोरेंट पे वो ऑर्डर लेने के लिए। तो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट था लेकिन ये इनका रेस्टोरेंट का टेस्ट बहुत अच्छा था। इसके अब्बू ने खाना खाना था, हमने तो पहले मतलब हल्का फुल्की चाय वगैरह जो थी वो पी ली थी। इनका बारबेक्यू जो था वो यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस था, इसलिए हमने यहाँ पे आके बारबेक्यू में ही से सिलेक्ट किया था मेन्यू। तो हमने चिकन के कबाब लगवाए थे और ये वाकई ही बहुत मज़े के थे और बहुत ही टेंडर जो थे वो बनाए गए थे। और इनके पास काफ़ी ह्यूज मेन्यू है, ये समझाले रोड एयरपोर्ट रोड जो है ना ये उसके बिल्कुल स्टार्ट में आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट, अगर किसी ने कभी भी विजिट करना हो तो यू कैन। खाना खाना ले लिया है जो कि बैदुल्ला साहब के अबू खाएंगे, हम लोग सिर्फ इसे टेस्ट करेंगे कि इनका कैसा है, उसके बाद फिर हम इसकी रिव्यूज करेंगे। हाँ जी, तो अब जा रहे हैं हम घर वापस, तो शाम भी काफ़ी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस प्यारे से व्यू के साथ अब हम करते हैं अपनी वीडियो को इधर ही एंड। आज का व्लॉग इधर ही एंड हो चुका है, तो हम लोग फिर से इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।